आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ महाभारत विराट पर्व अध्याय 11। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुंदर कटी प्रदेश वाली सखी उत्तरा जी के ऐसा कहने पर शत्रु संतापक अर्जुन अमित पराक्रमी राजकुमार उत्तर के समीप गए। राजकुमार उत्तर ने बृहलला को दूर से ही देखकर कहना प्रारंभ किया, हे बृहलले, अर्जुन ने तुम्हें सारथी बनाकर समस्त पृथ्वी पर विजय पाई थी, अतः आज तुम अर्जुन के घोड़ों की भांति मेरे घोड़ों को भी काबू में रखना, क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लेने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करने वाला हूँ। उसके ऐसा कहने पर बृहलला राजकुमार से बोली, भला मेरी क्या शक्ति है कि मैं युद्ध के छोर अर्थात मोर्चे पर सारथी का काम संभाल सकूं। हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। यदि गाना हो, नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने हो तो वो कर लूंगी, सारथी का काम मुझसे कैसे हो सकता है। उत्तर बोला, हे बृहलले, तुम पुनः लौटकर गायक क्या नर्तक जो चाहो बन जाना, इस समय तो तुरंत ही मेरे रथ पर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ों को काबू में करो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, शत्रु दमन पांडु पुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी उत्तरा के सामने हंसी के लिए बहुत से अज्ञानता सूचक कार्य किए। वह कवच को ऊपर उठाकर शरीर में डालने लगे। ये देखकर वहां खड़ी हुई बड़े बड़े नेत्रों वाली राजकुमारियां हंसने लगी। बृहलला को कवच धारण करते समय भूल करती देख करके राजकुमार उत्तर ने स्वयं अपने हाथों से उसे बहुमूल्य कवच धारण कराया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं भी सूर्य के समान दैदीप्यमान सुंदर कवच धारण किया और रथ पर सिंह ध्वज फहराकर बृहलला को सारथी के कार्य में नियुक्त कर दिया। फिर बहुत से बहुमूल्य धनुष और सुंदर बाण लेकर और बृहलला को सारथी बनाकर वीर श्रेष्ठ राजकुमार युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय उत्तरा तथा उसकी सहेली दूसरी राजकन्याओं ने कहा, हे बृहलले, तुम युद्ध भूमि में आए हुए भीष्म द्रोण आदि प्रमुख कौरव वीरों को जीतकर हमारी गुड़िया के लिए उनके महीन कोमल और रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। बृहलला ने कहा, यदि राजकुमार उत्तर संग्राम भूमि में उन सब महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र ले आऊंगी। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, ऐसा कह करके शूरवीर अर्जुन ने अनेक प्रकार की ध्वजा पताहों से सुशोभित कौरों की ओर जाने के लिए घोड़ों को हाँक दिया। सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण।